आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, हमने विरोध किया, पर मौत का कफन बांध के गए। क्या संदेश दे के गए? बिट्टा सर, मेरा सवाल आपसे है, इधर। टू योर राइट सर। मेरा सवाल आपसे है, सवाल भी है और एक मोमेंट भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे फादर भी आर्मी में है, सूबेदार है, तो वो जब पुंछ रजौरी में पोस्टेड थे, जब वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है। तब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कनेक्शन हमारा टूट गया था, क्योंकि वहाँ से कॉल्स नहीं आ पा रहे थे और यहाँ से कॉल्स जा नहीं रहे थे पापा को। तो जब मैंने उनसे पूछा कि, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हालत ख़राब चल रही है, जो भी है सिचुएशन, कुछ दिन बात नहीं कर पाऊँगा। तो जब हमने पूछा कि आप लोग, पापा आप लोग क्यों फायर बैक नहीं कर रहे हो, आप लोग क्यों अटैक हमारे यहाँ से क्यों अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ से ब्लास्ट हो रहे हैं, तो पापा ने कहा कि नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें भी ऑर्डर्स नहीं है, हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया गया है कि अपने आप को डिफेंड करो और मतलब अटैक मत करो, सिर्फ डिफेंसिव मोड पे रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो बस। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे ही लोग? देखो, पहले का जो वक्त था, जवान हमारे जवानों का सिर काट के ले जाते थे पाकिस्तान के, वो आतंकवादी या फौज के वो लोग, बहनों के सुहाग उजड़ जाते, बच्चे यतीम हो जाते, और हम रात को क्या आपने खाना खाया क्या नहीं खाया, लाल कारपेट के साथ ताजमहल पे बुलाया जाता था, वो चीज़ें हम भूल जाते थे। देखो, मैं पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, पर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई हो, उसके लिए मेरा जीवन हमेशा हाजिर है, क्योंकि इतने वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए, हमने विरोध किया, पर मौत का कफन बांध के गए। क्या संदेश दे के गए? पूरी दुनिया को बताने के लिए कि ये महात्मा गांधी का देश है, आतंकवाद हो चुका, पाकिस्तान में बैठा हुआ आम आपकी तरह को भाई बहन, हमारा आज भी वो भाई है, पर ये खून की नदियां बहाना बंद करो, उधर हो या इधर हो। उसके बाद क्या हुआ? मुझे पता था ये होगा, पाकिस्तान की ISI ये करेगी। दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना हुई, और उसके बाद आज तक एक गोली चलती पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब दिया जाता है। जब 18 जवान शहीद हुए, 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके उनके 40 आतंकवादियों को मार के कैंपों को उड़ा के आए, पुलवामा हुआ, रातों रात आप सोए हुए थे, नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, और हमारी फौज 15 मिनट में गई और 350 के करीब आतंकवादियों को ढेर करके उनको तमाम कैंपों को तबाह करके आई। क्या आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि 370 धारा हटेगी? यह मुद्दा ठंडा पड़ चुका, हो जाए, पर हम उनका एहसान कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारे लाखों हजारों लोगों का, हमारे जवानों का बदला 370 धारा हटा के लिया। वक्त वो अब खत्म हो चुका, जो मेरा मानना है आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी है। आज किसी जवान को BSF हो, CRP हो या फौज हो, उसको दिल्ली से पूछना नहीं पड़ेगा साहब, गोली चलाए या ना चलाए, एक चलेगी 100 मारेंगे, मार के उनको ठोक के आएंगे। ये आज का माहौल। I think this deserves a standing ovation again. He is a man power excellence whose every heartbeat is dedicated to India.